तो सो गाइस कैसे आप सब, फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। भाई आप सबको इतना जरूर पता होगा हमारा जो इंडिया सर्वे इंक्यूबेटर चल रहा है वो ये चल रहा है जिसपे टाइम भी स्टार्ट हो चुका है। गाइस आप सब यही सोच रहे होंगे कि हमारे आने वाले इंडिया सर्वे में नेक्स्ट इंक्यूबेटर कौन सा होगा। गाइस आज अपना टेंशन छोड़ दो, क्योंकि आज आपका भाई यही बताने वाला है कि आप सबको नेक्स्ट इंक्यूबेटर में कौन सा बंडल देखने के लिए मिलेगा। और आज आपका भाई एक नहीं बल्कि तीन इंक्यूबेटर दिखाएगा, जो कि तीनों ही आप सबको इंडिया सर्वे में एक ही साथ देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ आप सबको ये भी बता दूं कोबरा पी 14 आप सबको कब रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, उसका भी डेट कंफर्म के बारे में बात कर लेंगे। और इसी साथ साथ आप सबको गोल्ड, हमारा जो नेक्स्ट गोल्ड रॉयल का बंडल है वो कौन सा रहने वाला है, मेल का या फीमेल का, गाज उसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। चलिए गाज फटाफट से वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे छोटा भाई की विनती है, गुजारिश है यार, अगर चैनल पर नया आए हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर घंटी पर ऑल प्रेस जरूर से कर लेना मेरे भाई, ताकि कोई भी इस भाई का वीडियो एंड अपडेट आए तो आपका तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए गाइस फटाफट से हमारे जो इंडिया सर्वे इंक्यूबेटर आने वाला है वो आप फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। ये रे भाई हमारे आने वाले इंडिया सर्वे नेक्स्ट इंक्यूबेटर। और गाइस नेक्स्ट इंक्यूबेटर देख के बताओ यार आप सबको कैसा लगा। और गाइस अभी देखे कहाँ हो सॉरी। और गाइस यहाँ पर देख सकते हो मतलब तीन कोने में ब्लू प्रिंट दिया लेगा और गाइस एक कोने में गाइस स्टोन दिया लेगा। तो गाइस आप समझ सकते हो 3-in-1 करके आप सबको इंक्यूबेटर देखने के लिए मिलेगा। और गाइस फर्स्ट इंक्यूबेटर हमारा ये रहा गाइस, मतलब जैसा जैसा फर्स्ट सेकंड थर्ड करके गाइस तीनों ही इंक्यूबेटर आप सबके लिए बहुत बेहतरीन, मतलब क्या ही कहूँगा, जहर है। तो गाइस इंक्यूबेटर देख के बताओ आपको अच्छा लगा या नहीं। गाइस अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर जरूर ठोक दो, और हो सकता है आज वीडियो को भी शेयर कर दे दो ताकि आपको दोस्तों को भी पता चल सके हमारे इंडिया सर्वे में ये इंक्यूबेटर रिटर्न में आने वाले हैं। चलिए गाइस फटाफट से जो भी इंक्यूबेटर वगैरह बंडल वगैरह सारा चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रहा हमारा सेकेंड बंडल, ये भी फीमेल का है। और गाइस ये भी मुझे इस बंडल का आज पूरा सेट मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं कि हेड वगैरह ये भी मुझे सेट नहीं लगता, पूरा सेट ठीक ठाक लगता है। और गाइस ये रहा हमारा फीमेल का सेकंड बंडल, ये भी ठीक ठाक है। गाइस आप देख लो आपको पसंद आ जाए ये नहीं, गाइस मुझे पसंद करने से क्या होगा, आप सबको पसंद आएगा ही नहीं तो मुझे क्या फ़ायदा। चलिए गाइस फटाफट से ये रहा हमारा थर्ड बंडल, थर्ड बंडल भी ठीक ठाक है और इसका भी ठीक ही ठाक है गाइस। और आप सबको ये बात बता दूँ आप सबको ये बंडल फ्री में देखने के लिए मिला था डेढ़ साल पहले, और ये मतलब ऐसे टाइम के लिए देखने के लिए मिला था वो 15 दिन के लिए, ये अभी भी मुझे याद है गाइस। आप सबको अगर याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। और गाइस बताना गाइस हमारा जो फर्स्ट वाला बंडल है यही देखने के लिए मिला था। और गाइस ये रहा हमारा सेकेंड इंक्यूबेटर जो कि जहर मचा रहा है आप सबको पता होगा। और गाइस ये इंक्यूबेटर इस बार आएगा तो गाइस दो बार रिटर्न हो जाएगा आप सबको भी पता है। और गाइस बताना आपके पास ये इंक्यूबेटर का बंडल है या नहीं। गाइस मेरे पास एक बंडल है इसमें से फर्स्ट वाला जो है, इस बार भी मतलब 14-15 दिन के लिए आया था रिटर्न में, तो हम उस समय निकाल लिए थे 3-4 महीने पहले रिटर्न में आया था। आपको अगर याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और गाइस फर्स्ट बंडल, सेकंड बंडल गाइस ये रहा हमारा सेकंड बंडल फीमेल का, ये भी ठीक ठाक है। और गाइस ये भी बंडल देख लो गाइस, ये बंडल मेरे पास है, आपको आपके पास कौन सा बंडल है मुझे कमेंट बॉक्स में यार जरूर बताओ। चलिए गाइस इस बंडल का भी इंक्यूबेटर सारा देख ही लिए हो, तो बताना गाइस इन दोनों में से आपको ज़्यादातर कौन सा ठीक ठाक लगा। चलिए गाइस आप बात करेंगे आज हमारा जो इंडिया सर्वे थर्ड इंक्यूबेटर है वो कौन सा रहने वाला है, वो भी फटाफट से आपको दिखा देता हूँ। इंक्यूबेटर का पूरा बंडल आप देख ही लिए। चलिए गाइस आप बात करेंगे थर्ड इंक्यूबेटर के, गाइस ये रहे हमारे आने वाले इंडिया सर्वे थर्ड इंक्यूबेटर जो कि आप देख सकते हैं गोल्डन क्लोन बंडल। और गाइस ये जोकर वाले बंडल है, जोकर वाले इंक्यूबेटर। और गाइस इसे आए हुए कम से कम गाइस 3-4 साल हो गए, गाइस इस बार आप सबको रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा इतना मतलब वेट करने के बाद। बताना गाइस आप सबको ठीक ठाक लगा या नहीं गाइस। और गाइस आप सबको बता दूँ हमारा जो इतना रेयर था हिप हॉप सकुरा गाइस वो रिटर्न में आ गए। तो गाइस ये तो वैसे ही फालतू चीज़ है, आप सबको पता होगा इंक्यूबेटर का बंडल है, तो गाइस ये क्यों नहीं रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा। बताना गाइस इस इंक्यूबेटर में ज़्यादातर मुझे हेड पसंद आया गाइस, उसे ये बंडल वगैरह मुझे ठीक ठाक नहीं लगता गाइस। और गाइस फीमेल का तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल टट्टी सा है। और गाइस इस इंक्यूबेटर का गाइस हेड देख सकते हो गाइस मतलब क्या ही जहर लग रहा है। आप बताओ भाई आप सबके पास ये इंक्यूबेटर में से कोई सा भी बंडल है तो मुझे कमेंट करो यार मेरे पास ये बंडल है। और चलिए गाइस इस इंक्यूबेटर का भी बंडल पूरा देख ही लिए हो। और गाइस बताना गाइस आप सबको ठीक ठाक लगा या नहीं गाइस। और आप सबको एक बात बता दूं गाइस, मतलब 3-in-1 करके इंक्यूबेटर आते आते हुए भी कट कर रहे हैं ऐसे गाइस 3-4 महीने से हो रहे थे गाइस, इस बार डेट कंफर्म है आप सबको नेक्स्ट इंक्यूबेटर में यही देखने के लिए मिलेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना गाइस आप सबको ये इंक्यूबेटर कैसा लगा। और गाइस ज़्यादातर मुझे ठीक ठाक लगा गाइस। चलिए गाइस अब बात करेंगे गाइस हमारा जो इंडिया सर्वे मतलब कोबरा MP14 है
आप सबको कब रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। अरे भाई हमारे आने वाले इंडिया सर्वर में कोबरा एमपी 14 रिटर्न, और गाइस रिटर्न की बात करें तो कब आएंगे वो आगे चल के आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले गाइस इसका रिवार्ड वगैरह है वो आपको दिखा देता हूँ। और गाइस मुझे ये कोबरा एमपी 14 गाइस मुझे बहुत पसंद है, और सच कहूँ तो गाइस मेरे पास ईवो गन कोई सा भी नहीं है। गाइस मेरा आईडी है 65 लेवल का, पर ईवो गन गाइस एक भी नहीं है। और पता नहीं गाइस मैं मतलब इसमें पैसा लगाता ही नहीं, सोचता हूँ गाइस उड़ जाएंगे, डायमंड खर्च हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं इसमें बेस्ट नहीं करता। आपके पास होगा ईवो गन मुझे पता है, तो गाइस जब है तो मुझे कमेंट करके बताओ मुझे, मेरे पास ये ईवो गन है। और जहाँ तक आज ये ग्लू बॉल भी ठीक ही ठाक है, और गाइस ये बैकपैक मुझे 30 लगा, और गाइस किल बॉक्स भी ठीक ही ठाक है, और गाइस मतलब गाइस तीन रिवार्ड मुझे अच्छा लगा इसमें। और गाइस एक था ग्लू बॉल, और एक किल बॉक्स, और गाइस एक MP14। और गाइस MP14 का गाइस इमोट की बात करते गाइस क्या ही कहूँ, जहर लग रहा है। और 7 लेवल करने के बाद तो क्या ही कहूँ गाइस, रखने में जो मज़ा आता है ना वो क्या ही कहूँ गाइस, मुझे बताना आप सबको। और गाइस कोबरा MP14 आप सबको कब रिटर्न में देखने के लिए मिलेगा, तो गाइस आप सबको 7 से 8 जनवरी तक हमारे इंडिया सर्वर में कोबरा MP14 रिटर्न में देखने के लिए मिल सकता है, या हो सकता है गाइस इससे आगे भी डेट ले जा सकता है गाइस, मुझे कन्फर्म डेट इतना ही पता है गाइस। और मैं गाइस कोई भी अपडेट आप सबको गलत नहीं बताऊंगा गाइस, कोबरा MP14 रिटर्न आएगा तो आएगा, बताना गाइस आप सबको कोबरा MP14 का रिटर्न का अपडेट कैसा लगा। चले गाइस अब बात करते हैं गाइस हमारे जो इंडिया सर्वर में आप सबको नेक्स्ट गोल्ड रॉयल में कौन सा बंडल देखने के लिए मिलेगा इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये रे भाई हमारे आने वाले इंडिया सर्वर नेक्स्ट गोल्ड रॉयल, और गाइस नेक्स्ट गोल्ड रॉयल देख के बताना आप सबको ठीक ठाक लगा या नहीं गाइस। और आज आपको 2 गोल्ड रॉयल दिखाऊंगा जिनमें से कोई से हमारे इंडिया सर्वर नेक्स्ट गोल्ड रॉयल आप सबको देखने के लिए मिल सकता है। चलिए गाइस फटाफट जो भी गोल्ड रॉयल का बंडल वगैरह है उसको रिव्यू कर लेते हैं। और आप सबको इतना जरूर पता होगा हमारे जो गोल्ड रॉयल है उसे जाने के लिए 7 दिन टाइम है, तो ऐसा से हो सकता है आप सबको 10 जनवरी को देखने के लिए हमारे नेक्स्ट गोल्ड वाला आप सबको इंडिया सर्वर में मिल सकता है। चलिए गाइस फटाफट से गाइस फर्स्ट गोल्ड वाला आप देख लो, सेकंड के बाद में दिखा दूंगा आप सबको। और गाइस इस गोल्ड वाला देख सकता है मतलब पूरा करेक्टर ही दिया लेके उधर सर्वर का, ये मतलब गोल्ड वाला है। और अदर सर्वर में आप सबको ये भी पता है उधर सर्वर में कुछ ऐसा ही सीन होता है। राजा हमारा जो फर्स्ट मतलब गोल्ड वाला था वो देख ही लिया होगा, ये हमारे आने वाले इंडिया सर्वर सेकंड गोल्ड वाला, और सेकंड गोल्ड रॉयल भी मुझे बहुत पसंद है गाइज, आप बताना आप सबको ठीक ठाक लगा या नहीं गाइज। चलिए गाइज फटाफट से इसका भी बंडल वगैरह देख लेते हैं क्या क्या ठीक ठाक लगा गाइज। और इसे इसका मुझे ज़्यादातर हेयर ठीक ठाक नहीं लगा गाइज, क्या देख सकते 30 दिया, लेकिन मुझे गाइज तो बहुत पसंद आया। जैसे गाइज हेयर भी ठीक ठाक है, उतना ठीक ठाक नहीं है। और चलिए गाइज सेकंड भी गोल्ड रॉयल देख ही लिए हो तो बताना गाइज आप सबको दोनों में ज़्यादातर कौन सा गोल्ड रॉयल ठीक ठाक लगा। तो भाई यहीं तक था हमारा वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।